नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। अतिवृष्टि, सतत मूसलाधार बारिश के चलते पूरे जिले में किसानों का भारी नुकसान हुआ है। जिला परिषद स्थायी समिति की बैठक में जिले में गीला, अकाल घोषित कराने और पीड़ित किसानों को 1,00,000 रुपए प्रति हेक्टर मदद देने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने उक्त मुद्दा उठाया और मांग की। विरोधी पक्ष नेता अतीश उमरे ने कहा कि सरकार की ओर से जल्द मदद मिलेगी। बैठक में कृषि सभापति तापेश्वर वैद्य, जिला परिषद सीईओ योगेश कुंभेजकर, एडिशनल सीईओ कमल किशोर फुटाने, सभी सभापति व विभाग प्रमुख उपस्थित थे। सत्तापक्ष नेता अवंतिका लेकुरवाले ने कहा कि आज जो हालात है उसमें किसानों द्वारा दोबारा बुवाई संभव नहीं है। कपास, तुअर, सोयाबीन के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। किसानों को सरकार बीज उपलब्ध करवाए और बिजली बिल माफ करे। अध्यक्षता बर्वे ने कहा केंद्र व राज्य सरकार से मदद में आने में समय लगता है, जबकि किसानों को तत्काल मदद की जरूरत है। इसलिए जिला परिषद अध्यक्ष के लिए भी तत्काल मदद हेतु निधि उपलब्ध होनी चाहिए। डीसीपी या सेस फंड से निधि की व्यवस्था हो सकती है क्या, इस विषय पर जिलाधिकारी से चर्चा की जाएगी। राज्य की महानगर पालिका क्षेत्रों में 11वीं के लिए केंद्रीय प्रवेश पद्धति के अनुसार पंजीयन प्रक्रिया जारी है। अब तक आवेदन क्रमांक एक ही भरा जा रहा है। सीबीएसई रिजल्ट की प्रतीक्षा में लंबा वक्त निकल गया। अब शिक्षा विभाग ने आवेदन क्रमांक 2 भरने की तिथि की घोषणा कर दी है। 22 जुलाई से इसकी शुरुआत की जाएगी। गत वर्ष की तुलना में इस बार जूनियर कॉलेजों की संख्या कम होने से कैंप राउंड की सीटें भी कम हुई है। 10वीं स्टेट बोर्ड का परिणाम 17 जून को घोषित किया गया। तब से 11वीं की पंजीयन की शुरुआत हुई। शिक्षा विभाग द्वारा सीबीएसई परिणाम की परीक्षा की जा रही थी। माना जा रहा है कि सीबीएसई का परिणाम 2-3 दिनों में आएगा। यही वजह है कि अब आवेदन क्रमांक 2 भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कैंप राउंड के तहत छात्रों को ऑप्शन में पसंदीदा कॉलेज का नाम भरना होता है। मेरिट के आधार पर छात्रों को कॉलेज अलॉट होता है। इसमें छात्रों को 1 से लेकर 10 तक कॉलेजों के नाम भरना अनिवार्य होता है। इसके बाद आवेदन लॉक हो जाएगा। गत वर्ष की तुलना में इस बार कैंप राउंड शामिल होने वाले जूनियर कॉलेजों की संख्या कम हुई है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू सिलेंडर सहित अन्य चीजों की महंगाई की आग में झुलस रहे आम आदमी को सरकार ने अब अनब्रांडेड अनाज पर 5% जीएसटी लगाकर एक और बड़ा झटका दे दिया है। सरकार के इस फरमान से दाल, चावल, गेहूं की कीमत में 5 से 7 रुपए तक और इजाफा हो जाएगा। बड़े भाव से जहां आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा, वहीं चिल्लर दुकानदारों पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का टेंशन बढ़ जाएगा। सरकार ने 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर जहां जीएसटी में छूट दी है, वहीं 25 किलो के नीचे वाले पैकिंग पर 5% जीएसटी लगाई है। आज देखा जाए तो थोक व्यापार में 30 किलो के कट्टे से ही व्यापार होता है, लेकिन चिल्लर में छोटे छोटे दुकानदार 25 किलो या इससे नीचे की पैकिंग पर व्यापार करते हैं। इसके चलते अब छोटे दुकानदारों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। व्यापारियों सहित ही होलसेल ग्रेन एंड सीड मार्केट्स एसोसिएशन के सचिव प्रताप मोटवानी ने बताया कि सरकार ने यह फैसला मल्टीनेशनल कंपनियों दबाव के चलते किया है। सरकार का यह फैसला महंगाई को भड़काने वाला है। सरकार ने अभी तो 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं ले रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश प्रतिनिधियों की जो सूची शहर कमेटी द्वारा भेजी गई है, उसमें अनेक प्रमुख नेताओं के नाम गायब होने से नाराजगी देखी जा रही है। पूर्व विधायक एसक्यू जमा की अध्यक्षता में नाराज गुट की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मामले से दिल्ली आलाकमान को अवगत कराया जाएगा। नाराज नेताओं का आरोप है कि बूथ स्तर से लेकर शहर स्तर तक बनी किसी चुनावी प्रक्रिया के प्रदेश प्रतिनिधियों का चयन करना अलोकतांत्रिक है और निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर अन्याय है। आरोप भी लगाया कि स्थानिक नेताओं की तानाशाही और प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के आशीर्वाद से नागपुर से कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस संदर्भ में जल्द ही शिष्टमंडल दिल्ली जाकर प्रमुख चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री व आला नेताओं से न्याय की मांग करेंगे। 18 ब्लॉक से जिन 18 प्रतिनिधियों की सूची जारी की गई है, उसमें शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे गुट का ही वर्चस्व है और पूर्व मंत्री नितिन राउत, सतीश चतुर्वेदी गुट का पूरी तरह सफाया कर दिया गया है। इतना ही नहीं, महिला कांग्रेस और सेवा दल से कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया है। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री तानाजी मंडवे, संजय दुबे आदि उपस्थित थे।
सावन के पहले सोमवार को बारिश ने झड़ी लगा दी है। सुबह से देर शाम तक कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का सिलसिला चलता ही रहा है, जिसके चलते तापमान में भी काफी गिरावट आ गई है और सुबह से मौसम कूल हो गया है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों में यानी रविवार सुबह 8:30 बजे से सोमवार सुबह 8:30 बजे तक सिटी में 63.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं सोमवार सुबह 8:30 बजे शाम 5:30 बजे तक 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सिटी का अधिकतम तापमान उतर कर 26.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जो औसत में 4.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 22 जुलाई तक शहर का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 23 और 24 जुलाई को भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, मतलब पूरे सप्ताह बारिश थमने वाली नहीं है। इस दौरान सिटी का अधिकतम तापमान 39 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने की संभावना है। 1 जून से अब तक नागपुर जिले में 607.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा अभियान चलाने के निर्देश केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अभियान की पहल करने के लिए अब मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने सेल्फी स्टैंड का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अभियान में शामिल होने की अपील भी लोगों से की है। आयुक्त दीपक कुमार मीणा, रविंद्र भेलावे आदि उपस्थित थे। मनपा आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता को लेकर हुए संघर्ष तथा देशभक्ति का जज्बा लोगों में बना रहे, इसके लिए 5 लाख घरों पर 13 से 15 अगस्त के बीच ध्वज लहराने की आशा है। लोगों को स्वयं खर्च से राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर घरों पर लगाना है। मनपा की ओर से भी लोगों को तिरंगा ध्वज उपलब्ध कराया जाएगा। मनपा स्कूल के छात्र तथा जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें ही मनपा ने राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मनपा के अधिकारी और कर्मचारियों को इस संदर्भ में जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय ध्वज लहराने के बाद परिवार के साथ सेल्फी लेकर इसे मनपा के सोशल मीडिया को टैग करना है। गत शनिवार को खसाला एंड पॉन फूटने के बाद मोजा खसाला मसाला कवठा सूरा देवी खैरी गाँव में किसानों की फसलें जलपूर्ति योजना जल संपदा विभाग की पुच्छ नहर का भारी नुकसान हुआ। नागरिकों में ताप बिजली घर के अधिकारियों के प्रति भारी असंतोष है। इसे देखते हुए सोमवार को जिलाधिकारी विमला आर ने ताप बिजली घर के मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, प्रादेशिक अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, BDO कृषि अधिकारी, जल संपदा अधिकारी की संयुक्त बैठक आयोजित कर करीब 1 घंटे मंथन किया एवं सभी संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र घटनास्थल जाकर नमूने लेकर रिपोर्ट देने को कहा। कृषि अधिकारी को ऐश मिट्टी के नमूने लेकर खेती पर क्या असर हुआ, पानी के नमूने लेकर यह पानी पीने योग्य है या नहीं, इसकी जांच के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि खैरी गांव की जलपूर्ति योजना क्षतिग्रस्त हुई है। 2 कुओं में राख मिश्रित पानी समा गया था। 4 मोटर पंप खराब हो गए थे। आपूर्ति पाइपलाइन सोलर प्लांट भी खराब हो गए थे। सभी विभागों को नुकसान का आकलन करने, राख बांध की शीघ्र मरम्मत करने के आदेश जिला अधिकारी ने दिए। महानिर्मिति सुव्यवस्था संचालन कार्यकारी संचालक चंद्रकांत थोटवे, पर्यावरण सुरक्षा कार्यकारी संचालन नितिन वाघ रविवार को अचानक कोराडी पहुंचे। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने संगठनों को मजबूत बनाने के काम में जुट गई है। झटका खाने के बाद शिवसेना के संजय राउत का विदर्भ दौरा बढ़ गया है, तो हाल ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार दिलीप वलसे पाटिल के साथ एक कार्यक्रम में नागपुर में आए। उन्होंने शहर सहित जिला कार्यकारिणी की बैठक लेकर संगठन को मजबूत करने के काम में जुट जाने का मंत्र दिया। अब कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लग गई है। संगठनात्मक चुनाव के साथ प्रदेश प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए सूची बनानी शुरू हो गई है। शहर सहित जिला कांग्रेस के हर तहसील से प्रतिनिधियों के नाम भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। शहर कांग्रेस में तो गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है और कहा जा रहा है पुराने पदाधिकारियों में असंतोष बढ़ रहा है। प्रदेश के आला नेता आलाकमान के निर्देश पर गुटबाजी को दूर करने के लिए सभी गुंडों को प्रदेश प्रतिनिधियों में शामिल कराने की कवायद में लगे हैं। सिटी में 18 ब्लॉक में से 18 प्रतिनिधि प्रदेश कांग्रेस के लिए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा शहर कार्यकारिणी के लिए 8 सदस्य व प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 1 सदस्य का नाम भेजा जाएगा।
नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 1,824 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल 3,04,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 1,27,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 6,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए हैं। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार की रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से नागपुर में संगठन के मुख्यालय में मुलाकात की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की 30 जून को शपथ लेने के बाद नागपुर के विधायक फडणवीस का संघ मुख्यालय का यह पहला दौरा था। भाजपा नेता शहर के महल इलाके में स्थित संघ मुख्यालय में रात करीब 9:15 बजे पहुंचे और 45 मिनट बाद बाहर आए। सूत्रों के मुताबिक बैठक के संभावित एजेंडे में राष्ट्रपति चुनाव, महाराष्ट्र में बाढ़ एवं अतिवृष्टि आदि विषयों का समावेश था। बाढ़ में किसानों, आम नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को उपमंडल अधिकारियों, तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों को बाढ़ पीड़िता को तत्काल मदद दिलाने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण दौरे के दौरान उन्होंने काटोल तालुका में पुल के ढहने के संबंध में संबंधित अधिकारी से फोन पर बातचीत। पूर्व मंत्री विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार से जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा शुरू किया। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने काटोल तालुका के त्रिधोरा गाँव के पंजारा काठे का दौरा किया। नरखेड़ तालुका के बनोर और सावनेर तालुका के खुबाला में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया गया। काटोल तालुका के पंजारा काठे में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करते हुए यह पता चला कि नया पुल केवल 6 महीने में ही बह गया। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाई और ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने को कहा। पुल की तत्काल मरम्मत कर उसकी ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद काटोल के अनुमंडल पदाधिकारी से चर्चा की। नरखेड़ तालुका के बानोर गाँव का भी बावनकुले ने दौरा किया। जिला प्रशासक, जिला परिषद, महानगर पालिका और सभी अधीनस्थ स्थानीय नियोकों ने सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत नागपुर महानगर और नागपुर जिले के ग्रामीण अंचल में कुल 10 लाख राष्ट्रीय ध्वज लहराने की योजना अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलाधिकारी आर विमला ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराकर अभियान में अनायास भाग ले। जिलाधिकारी आर विमला ने सोमवार को इस संबंध में पत्रकार परिषद में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर भी उपस्थित थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुंभेजकर ने कहा कि महिला बचत समूह की सदस्याएं इस कार्य में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में झंड लहराने में मददगार साबित होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिए जाने वाले कदमों में से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पराधीनता के दौरान स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के प्रति आभार व्यक्त कराना है। 75 वर्षों की गौरवशाली परंपरा, देश में लाए गए तमाम सुधार और मुल्क की प्रगति, हमारे देश की ताकत का प्रदर्शन, लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना भी इस पहल का उद्देश्य है। बारिश के इस मौसम में फुटाला तालाब पर रखे सेना हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ चलते ट्रैफिक के बीच परिवार सहित खासकर छोटे बच्चों के साथ सेल्फी लेना खतरनाक है, क्योंकि कई बार लोग खुद की सेल्फी लेने में व्यस्त रहते हैं। इतने में बच्चे अनजाने में सड़क पार पहुंच जाते हैं, इससे दुर्घटना का खतरा रहता है। बीते दिनों अमरावती के दिनेश राय अपनी फैमिली के साथ फुटाला तालाब घूमने के लिए आए। यहाँ अपने परिवार के साथ संयुक्त फोटो लेने के बाद दंपति अलग से अपनी सेल्फी ले रहे थे। इस दौरान उनकी 3 साल की बेटी अनुष्का सड़क पार गई। गनीमत यह रही कि पास खड़े कुछ कॉलेज स्टूडेंट की नज़र उस बच्ची पर पड़ी और उन्होंने समय रहते उससे सड़क से उठा लिया और दंपति को इसके बारे में जानकारी दी। इस तरह के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं।
जिससे किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। खासकर अवकाश के दिन यहाँ हालात बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। सेल्फी के लिए लोग अपनी गाड़ियाँ सड़क पर साइड से खड़ी कर देते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पतली प्लास्टिक पन्नियों पर काफी पहले ही प्रतिबंध लगाया गया है। इसका पालन करने के लिए मनपा ने 1 जुलाई से कार्रवाई का अभियान शुरू किया है। अभियान शुरू होने को अभी 15 दिन ही बीते हैं कि कार्रवाई ठंडी पड़ने लगी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गत 3 दिनों से लगातार कार्रवाई का ग्राफ गिरता जा रहा है। आलम यह रहा है कि रविवार को केवल 2 जोन में ही टीमें तैनात रही, इसमें भी प्रत्येक जोन में एक एक जगह ही कार्रवाई को अंजाम दिया जा सका। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ मनपा का अभियान शुरू होने के बाद इस पर अंकुश लगने की आशा जताई जा रही थी, किंतु अब कार्रवाई को देखते हुए अन्य अभियानों की तरह इसका भी वही हश्र होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मनपा ने प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर अभियान तो शुरू किया है, लेकिन कार्रवाई में जुटी टीम के निशाने पर अब तक केवल छोटे दुकानदार ही रहे हैं। अब तक एनडीएस के दस्ते द्वारा 17 दिन में 205 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, किंतु इनमें केवल 1 से 2 ही बड़ी कार्रवाई हो पाई है। रेल प्रशासन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायपुर इतवारी के मध्य चलने वाली स्थगित दैनिक पैसेंजर स्पेशल रेलगाड़ी नंबर 08267 08268 अब पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। गाड़ी नंबर 08267 रायपुर इतवारी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रायपुर से कल से तथा गाड़ी नंबर 08268 इतवारी रायपुर पैसेंजर स्पेशल परसों से अगली सूचना तक निम्न समय अनुसार तक चलेगी। गाड़ी नंबर 08267 रायपुर से दोपहर 1:30 बजे प्रस्थान कर रात को 9:30 बजे इतवारी पहुंचेगी। इस प्रकार विपरीत दिशा में गाड़ी नंबर 08268 इतवारी से सुबह 7:30 बजे प्रस्थान कर शाम के 5:30 बजे रायपुर पहुंचेगी। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सावनेर में अन्नाभाऊ साठे की पुण्यतिथि मनाई गई। अन्नाभाऊ साठे एक क्रांतिकारी कवि, लेखक, नाटककार और समाज सुधारक थे। मराठी साहित्य और कला जगत के शिखर पुरुष अन्नाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे गांव में हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित जाति के होने के कारण स्कूलों में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता था। जब स्कूल में दाखिला मिला भी तो जाति के कारण उन्हें अपमानित किया जाता था। अपमान और तिरस्कार भरे माहौल के कारण उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। उनके उपन्यासों और नाटकों की देश विदेश में खूब चर्चा हुई। 1959 में प्रकाशित फकीरा उपन्यास को खूब प्रसिद्धि मिली। इसे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को समर्पित किया था। इस उपन्यास में फकीरा नाम के मातंग जाति के क्रांतिकारी की शौर्य कथा का विस्तृत वर्णन है। 1 अगस्त 2002 को भारत सरकार ने उनके 82वें जन्मदिन पर डाक टिकट जारी किया था। स्कूली विद्यार्थियों ने उनके रेखाचित्र तैयार किए, उनके जीवन पर आधारित अनुच्छेद लिखे। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने सभी विद्यार्थियों को शाबाशी दी। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आशीष देशमुख ने स्कूल के कार्यक्रम की सराहना की। भारतीय रेलवे 75वां स्वतंत्रता वर्ष यानी आजादी का अमृत महोत्सव भव्य तरीके से मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की प्रस्तावना के रूप में मध्य रेलवे 18 से 23 जुलाई तक मध्य रेलवे के विभिन्न डिवीजनों और स्टेशनों पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशनों के रूप में मना रहा है। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के समारोह का उद्घाटन रेलवे स्टेशन परिसर नागपुर में स्वतंत्रता सेनानी महादेव किसान कामडी और स्वर्गीय राम कोल्ले की विधवाशिला को सम्मानित करके किया गया। इन स्वतंत्रता सेनियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनके द्वारा किए गए बलिदानों और योगदानों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। पीएस खैरकर अपर मंडल रेल प्रबंधक और जय सिंह अपर मंडल रेल प्रबंधक, कृष्णनाथ पाटिल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक और वीसी थुल मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने समारोह में भाग लिया। सांजी जैन डीपीओ और अन्य कार्मिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन एआर धोटे मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक द्वारा किया गया। हमारा देश भारत 2024 में पूरे विश्व का सबसे युवा देश बन जाएगा। भविष्य में व्यापार की बागडोर युवा व्यापारियों के हाथ में रहेगी। व्यापार को भव्य रूप देने के लिए युवाओं को देश भर में संपर्क बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। इस आशय के विचार कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा। वे टीम कैट नागपुर युवा उद्यमिया
इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मुंबई द्वारा चिटनविस सेंटर में आयोजित आपसी संपर्क कार्यालय में बोल रहे थे। बीसी भरतिया ने अपने सकारात्मक और ऊर्जावान सोच से सभा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए युवाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि युवा अब नौकरी देने वाले की भूमिका में रहने से अपने आप देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जवाब में इस कार्यक्रम को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निकुश दायमा ने कहा कि बीसी भरतिया के शब्द योगदान और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युवा और महिला उद्यमी भरतिया की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्रदीप महेश्वरी ने नागपुर और उसके आसपास व्यापार करने के अनेक फायदे बताए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोनल मुख्यालय में प्रधान मुख्य मार्मिक अधिकारी राजेंद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षकों का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में प्रधान मुख्य मार्मिक अधिकारी मुख्य मार्मिक अधिकारी के द्वारा स्थापना नियमावली कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित उपाय निरीक्षण का मासिक कैलेंडर जांच की जाने वाली विषयों अनिवार्य रिकॉर्ड कल्याण निरीक्षकों की भूमिका व उनका दायित्व के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके उपरांत फील्ड में कार्यरत कल्याण निरीक्षकों को कार्य के दौरान होने वाली परेशानियां एवं उसके समाधान संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने रेलवे के कार्यकलाप में कैसे संबंधित कार्यों यथा मार्मिक कल्याण तथा कार्यस्थल पर कर्मचारियों को कैसे बेहतर वर्क एनवायरमेंट प्रदान किया जाए इस संबंध में उनसे लगातार प्रयासों तथा रोल के बारे में चर्चा की गई। इस सम्मेलन में तीनों रेल मंडलों व कार्यशाला के वरिष्ठ मंडल मार्मिक अधिकारी सहायक मार्मिक अधिकारियों के द्वारा कल्याण निरीक्षकों को उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। इस सम्मेलन में राजेंद्र कुमार अग्रवाल प्रधान मुख्य मार्मिक अधिकारी SD पाटीदार मुख्य मार्मिक अधिकारी के अलावा समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षकों सहित कुल 65 अधिकारी गण उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए VKB News। नमस्कार।